दोस्तों आप सबके लिए हम बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। दोस्तों आज की इस वैकेंसी में हम इंडियन रेलवे की तरफ से आई हुई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी जॉबों के लिए वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। तो चलिए इसमें हम पोस्ट के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पहली पोस्ट है B.Tech एंड B.Sc इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 4 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से एक UR के लिए रखी गई है एंड एक OBC के लिए, SC के लिए एंड EWS के कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी रखी गई है। दोस्तों इसकी अगली वैकेंसी है B.Tech एंड B.Sc इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, जिसके लिए 3 पोस्ट आई हुई हैं दोस्तों, जिसमें से UR के लिए, एक OBC के लिए एंड SC के कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी है। दोस्तों अगली वैकेंसी है B.Tech B.Sc इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर एंड IT इंजीनियरिंग के लिए, जिसके लिए 3 वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, जिसमें से UR के लिए एक है, OBC के लिए एक है, ST के कैंडिडेट के लिए एक है। दोस्तों इसमें अगली वैकेंसी है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, जिसके लिए 35 वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें से UR के लिए 14 हैं, OBC के लिए 9 हैं, SC के लिए 5 हैं, ST के लिए 3 हैं एंड EWS के कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसीज हैं। दोस्तों इसकी अगली वैकेंसी है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, जिसके लिए 15 वैकेंसीज आई हुई हैं दोस्तों, UR के लिए 7, OBC के लिए 4, SC के लिए 2, ST के लिए 1 एंड EWS के लिए 1 वैकेंसी है। दोस्तों इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर एंड IT इंजीनियरिंग के लिए 10 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से UR के लिए 3 है, OBC के लिए 3 है, ST के लिए 2, SC के लिए 1 एंड EWS के कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसीज दी गई हैं। चलिए दोस्तों इसकी कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने लास्ट 3 ईयर्स यानी कि 2017-18, 2018-19 एंड 2019-20 में अपने कोर्स को पास आउट किया हुआ हो। दोस्तों इसमें 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड ईयर भी रखा गया है, इसमें सिलेक्शन होने के बाद 1 साल तक ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। एंड दोस्तों अब बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो इसमें सिर्फ सरान, वैशाली, पटना एंड बिहार के कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस की। तो इसमें BE मैकेनिकल के लिए 4 ईयर बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोबाइल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड BE इलेक्ट्रिकल के लिए 4 ईयर बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें BE इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर IT के लिए 4 ईयर इन बैचलर इन इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस एंड ITI इंजीनियरिंग के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। दोस्तों इसमें डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। दोस्तों डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड IT के लिए फुल टाइम डिप्लोमा रेगुलर इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस एंड IT इंजीनियरिंग के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें सैलरी पैकेज की, कि इस वैकेंसी में सैलरी पैकेज कितना रखा गया है। तो इसमें ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए 9000 PM की सैलरी रखी गई है एंड डिप्लोमा होल्डर्स इंजीनियर के लिए 8000 की पर मंथ की सैलरी रखी गई है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो इसमें एक्टिव ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी इसके फॉर्म को सबमिट करते समय। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, या फिर आप अपने फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट डेट की, कि आप इसके फॉर्म को कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसके फॉर्म को 14 जनवरी 2021 तक इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। एंड दोस्तों अगर आप इसके फॉर्म को सबमिट करने के लिए एलिजिबल हों तो आप इसके फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर सबमिट कीजिए।